गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 7। तो बच्चा पेज नंबर 7 में हमने मिसिंग अल्फ़ाबेट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के, 26 लेटर्स होते हैं। इसमें आगे हमने पेज नंबर 8 में पढ़ा था रीड अलाउड, यानी कि हमने ए फॉर आंट, बी फॉर बॉल, इसका प्रोनाउंसिएशन किया था। एंड पेज नंबर 9 में हमने किया था राइट इन अ कैपिटल लेटर, जो हमें मिसिंग लेटर दे रखे थे इनमें हमने कैपिटल लेटर लिखा था और राइट अ स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर बनाया था। सी में हमने किया था लुक एट द पिक्चर बिलो एंड सर्किल द ऑब्जेक्ट दैट बिगन विद द गिवन लेटर। बी फॉर क्या था, तो हमने बॉल पे सर्कल किया था। सी ए फॉर एक्स पे सर्कल किया था। सी फॉर कार पे सर्कल किया था, है ना। पी फॉर पैरेट में सर्कल किया था। एच फॉर हेड पे सर्कल किया था। एंड एल फॉर लाइन पे सर्कल किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा पेज नंबर 10 आप ओपन कीजिए। पेज नंबर 10 में आपका है डी वाला, देखिए ने बुक में देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द एनिमल्स। आप पिक्चर को देखेंगे और एनिमल्स को देखेंगे। देन राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ईच ऑफ एनिमल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपको पहले से दिया गया है, तो पिक्चर में क्या थी, फिश थी, तो एफ इन्होंने लिखा है। अब क्या है, ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है आपको, हॉर्स की, तो आप यहाँ पे भरेंगे एच, एच ओ आर एस ई, हॉर्स यानी कि घोड़ा। ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको, मेंढक की, तो मेंढक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है आपको चूहे की, चूहे को कहते हैं इंग्लिश में माउस, यहाँ पे लिखेंगे आप एम, एम ओ यू एस ई, माउस, माउस यानी कि चूहा। फिर आपको मंकी की पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एम, एम ओ एन के ई वाई, मंकी यानी कि बंदर। ये पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है आपको, डॉग की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी, डी ओ जी, डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता। और ये पिक्चर दिखाई दे रही है कैट की, तो सी ए टी, कैट। इस प्रकार से हमने ये पिक्चर की पिक्चर को देख के यहाँ पे हमने स्पेलिंग फिल कर ली है, ठीक है। अब आपके पास आता है वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट। वॉवल्स आपने पढ़े थे प्रीवियस यूकेजी में पढ़े होंगे, है ना। देखिए फिर से देखते हैं, वी नो दैट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। हमको पता चल गया है कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर हैं, 26, ए से जेड तक हमारे पास 26 लेटर हैं। Now note the letters on the caterpillar. अब देखिए caterpillar में क्या स्पेलिंग लिख रखी है, वो अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं ए ई आई ओ यू। द अबव लेटर आर वॉवल्स, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स, यानी कि 5 लेटर, ए ई आई ओ यू, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स, 5 होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। फिर देखिए बी से लेकर जेड तक जितने भी बच जाते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर कॉन्सोनेंट, ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं ये, कॉन्सोनेंट। इनको हम अपने पास में अपनी बुक में भी नोटबुक में भी लिखेंगे, अभी आप बुक में ही समझिए। ए में हमारे पास दे रखा है से अलाउड वर्ड्स, से अलाउड, से दीज वर्ड्स अलाउड एंड नॉट द शॉर्ट वॉवल साउंड, ठीक है। एड टू मोर वर्ड्स टू ईच कॉलम, यानी कि जो छोटे अक्षर में वॉवल साउंड हैं उनको हमने बोलना है, जो छोटे छोटे होते हैं। ए से क्या क्या होते हैं वॉवल्स, ए के वॉवल्स, ए जो साउंड है वो क्या क्या है, तो ए साउंड होता है जैसे कि बैट, कैट, हैट, मैट, रैट, सैट, यहाँ पे हमने लिखा बैट और यहाँ पे हमने लिखा बैट, फैट और बैट, ठीक है। ई से क्या क्या बन सकते हैं छोटे, जैसे बैट, हैन, जेट, लेट, पेन, वेब और हमने लिखा रेड एंड टेन। आई से क्या बन सकते हैं, फिन, हिट, लिट, पिन, लिप, जिप, बिट एंड निप, ओके। ओ के साउंड हमारे सकते हैं हॉट, बॉक्स, डॉट, हॉट, नॉट, रॉड, कॉट, मॉप, ओके। एंड यू के हो सकते हैं कप, कप, नट, जग,
सन, टब, हट एंड बट। ओके, तो ये होते हैं छोटे यानी कि शॉर्ट। ओके, अब एफ में इसी प्रकार से हम रीज डीज वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर्स नॉट टू लॉन्ग वॉवल साउंड यानी कि लंबे, जिनका उच्चारण करते समय ज़्यादा ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डबल ई, ई, ओ, आ, ई, जैसे वीक, शीप, डीप, स्लिप, विप, गिप, बिप, वोक, लुक, हुक, टुक, कूल, वूल, टूल, कोल, फॉर्म, बोट, रोड, गोट, गोल, शॉप। ई ए का साउंड बीट, मीट, क्रीम, नीड, शीट, हीट एंड रीड। तो ये क्या है, ये लॉन्ग साउंड है यानी कि लॉन्ग वॉवल साउंड है। ऊपर हमने क्या किए थे, शॉर्ट वॉवल साउंड। तो इस प्रकार से ये आप करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इतना ध्यान दीजिए, इतना इसको अपने बुक में फिल कर लीजिए इस प्रकार से। और ये हमारे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट थे। तो वॉवल्स हमारे पास कितने हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 वॉवल्स हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखाए थे ये आपने पिक्चर में, पिक्चर की सहायता से आपने देखे थे, तो ये भी आप अपने बुक में ही फिल करेंगे। बाद में इनको हम अपनी नोटबुक में करेंगे, तो अभी आप अपनी बुक में ही फिल करें। ओके।